दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, सानिया मिर्जा ने भगवे रंग के जर्सी को लेकर दिया बड़ा बयान और धोनी को लेकर कही होश उड़ाने वाली बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सानिया मिर्जा ने भगवे रंग के जर्सी को लेकर क्या बड़ी प्रतिक्रिया दी है, क्या बयान दिया है और दोस्तों धोनी को लेकर उन्होंने कौन सी होश उड़ाने वाली बात कह दी है। तो दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम के इस महान बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें और अगर आप भी भारतीय टीम को विश्व जेता टीम मानते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों ICC विश्व कप 2019 के महासंग्राम के बीच टीम इंडिया के जर्सी को लेकर भारत में बवाल हो रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसके पीछे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का हाथ बताया है। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार क्रिकेट में भी भगवा राजनीति को शामिल करने की कोशिश कर रहा है। वहीं बवाल बढ़ता देख इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने भी स्पष्टीकरण दिया है। बता दें कि टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 30 जून को होने वाले ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में पारंपरिक नीले रंग की जर्सी के बजाय नारंगी जर्सी के मैदान पर उतरेगी। हालांकि टीम इंडिया के इस वैकल्पिक जर्सी में नीला रंग तो होगा लेकिन इसके साथ ही उसमें नारंगी रंग भी होगा। आप सभी को बता दें कि टीम इंडिया के लिए भगवा यानी कि नारंगी रंग के चयन पर ICC ने कहा कि BCI को रंग के कई विकल्प दिए गए थे और उन्होंने वही चुना है जो उन्हें जर्सी के रंग के साथ बेहतर लगा है। यह इसलिए करना पड़ा है क्योंकि इंग्लैंड की टीम भी भारत की तरह नीले रंग का ही जर्सी पहनती है। यह डिज़ाइन भारत की पुरानी T20 जर्सी से लिया गया है जिसमें नारंगी रंग था। वहीं पे ICC ने कहा कि इस जर्सी की डिज़ाइन करने वाले डिज़ाइनर अमेरिका में बैठे हैं, उन्होंने कोई नया रंग का इस्तेमाल नहीं किया है बल्कि जो पहले से मौजूद है उसी से जर्सी को बनाया है। जर्सी के डिज़ाइन के दौरान यह भी ध्यान रखा गया है कि क्रिकेट प्रेमियों को टीम इंडिया के खिलाड़ियों को पहचानने में कोई परेशानी ना हो। ICC नियमों के अनुसार मेज़बान टीम को ICC टूर्नामेंट में खेलते हुए अपने जर्सी के रंग को बरकरार रखना होता है। हालांकि भारत की जर्सी भी नीले रंग की है, ऐसे में भारत की जर्सी में यह बदलाव किया गया है। ऐसे में मेज़बान इंग्लैंड नीली ही जर्सी में उतरेगी। बता दें कि मौजूदा वर्ल्ड कप 2019 में 2 जून को दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में अपनी शर्ट बदल दी थी। उस मैच में अफ्रीकी खिलाड़ी हरे रंग की जर्सी पीले रंग की शर्ट में दिखाई दे रहे थे और वह मैदान पर उतर गए थे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि टीम इंडिया के इस नए जर्सी के रंग को लेकर टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने धोनी को लेकर भी बहुत बड़ी बात कही है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि टीम इंडिया के भगवे रंग के जर्सी को लेकर सानिया मिर्जा ने कहा कि जर्सी कोई भी रंग की ना हो, कोई भी रंग की हो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मगर हमारे भारत देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर बवाल करते रहते हैं। टीम इंडिया को और उनके मैनेजमेंट टीम को इस पर ध्यान ना देते हुए खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर ध्यान दे तो अच्छा है। दोस्तों वहीं पर आप सभी को बता दी कि धोनी को लेकर सानिया मिर्जा ने बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि धोनी के विश्व कप से सबसे बेहतरीन कप्तानों में से एक कप्तान हैं और वह मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं। जब भी वह भारतीय टीम के मैदान पर होते हैं तो वह कुछ ना कुछ तो गेंदबाजों को फीडबैक देते रहते हैं जिसकी वजह से भारतीय टीम को आसानी होती है। भारतीय टीम जब भी मुश्किल में पड़ी होती है तो जब महेंद्र सिंह धोनी उन्हें दिल खोलकर मदद करते हैं और अपने अनुभव से सब कुछ बदल देते हैं। दोस्तों सानिया मिर्जा के इस बेहतरीन बयान पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और भगवे रंग के जर्सी पर आप सभी की राय क्या है वह भी बताएं। तो दोस्तों आप सभी से एक हमारा सवाल है कि क्या सानिया मिर्जा ने भारतीय टीम के लिए सही कहा, उसका जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर दोस्तों, सेमीफाइनल की रेस से बाहर हुई 3 बड़ी टीमें, रोमांचक मोड़ पर पहुंचा वर्ल्ड कप 2019। 12वें वर्ल्ड कप में शुक्रवार तक कुल 35 मुकाबले खेले जा चुके हैं और अभी ग्रुप स्टेज के 10 मुकाबले और खेले जाने हैं। राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेले जा रहे इस मुकाबले में वर्ल्ड कप 2019 में हर टीम आपस में एक दूसरे के साथ मैच खेल रही है और ग्रुप स्टेज के बाद अंक तालिका में टॉप 4 रहने वाली टीमें सेमीफाइनल में खेलेंगी। फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया ने 12 अंकों के साथ सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया है और 3 अन्य टीमों का फैसला भी जल्द ही हो जाएगा। वही 3 ऐसी टीमें हैं जो सेमीफाइनल की रेस से पूरी तरह से बाहर हो गई हैं। तो आइए जानते हैं उन टीमों के बारे में।
दोस्तों आप सभी को बता दें कि सेमीफाइनल के रेस से सबसे पहले बाहर हुई अफगानिस्तान की टीम। युवाओं से भरी टीम ने अब पाकिस्तान को अभ्यास मैच में हराकर शुरुआत अच्छी की थी, मगर टूर्नामेंट में उसका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और उसे 7 मैचों तक एक भी जीत नसीब हुई है। आप सभी को बता दें कि अभी तक उन्होंने वर्ल्ड कप 2019 में जीत का खाता भी नहीं खोला। अब उसे अपने कोटे के बचे हुए 2 मुकाबले खेलने हैं, जिसमें उनका सामना पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के टीम से होगा। और अपने बड़े खिलाड़ियों के चोटिल होने के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम कमज़ोर हो गई थी और अपनी छवि के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। फाफ डु प्लेसिस की कप्तानी वाली अफ्रीका टीम दूसरी टीम बनी है जो सेमीफाइनल के रेस से बहर हो गई है। उसने अब तक 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 2 जीते हैं, 5 हारे हैं और 1 मुकाबला बेनतीजा बारिश के कारण रद्द हुआ था, बारिश में धुल गया था। टीम को अपने कोटे का आखिरी मुकाबला मजबूत ऑस्ट्रेलिया से खेलना है। आप सभी को बता दें कि वही टूर्नामेंट के शुरुआत में पाकिस्तान को ज़बरदस्त तरीके से हराने के पसंदीदा माने जाने वाले वेस्टइंडीज़ की टीम ने अपने प्रदर्शन को जारी नहीं रख पाई और लगातार हार की वजह से अंक तालिका में नीचे खिसक गई। गुरुवार को इंडिया से हारती ही कैरिबियाई टीम भी सेमीफाइनल के रेस से बाहर हो गई। टीम ने 7 मुकाबले खेले हैं, जिसके बाद 1 मुकाबले में जीत हासिल की है, वहीं पे 5 मुकाबले हार चुकी है और 1 मुकाबला बारिश के कारण धुल गया था और बेनतीजा रहने की वजह से वह निचले पायदान पर रही है। उसे अपने कोटे में 2 अन्य मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसका सामना श्रीलंका और अफगानिस्तान से होगा। आप सभी को बता दें कि इसके अलावा सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 3 टीमें फिलहाल में प्रमुख दावेदार हैं, जिनमें इंडिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का नाम भी शामिल है। तीनों ही अंक तालिका में क्रमशः 2रे, 3रे और 4थे पायदान पर मौजूद हैं। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। दोस्तों वहीं पे बात की जाए तो आप सभी को बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारतीय टीम तो सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगी, लेकिन नंबर 4 पर जो टीम आने वाली है वह अभी तक नहीं बता सकते, क्योंकि नंबर 4 के लिए बहुत ज़्यादा टफ लड़ाई चल रही है। आप सभी को बता दें कि नंबर 4 पर पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच लड़ाई चल रही है और इसमें यह बात है कि अगर कि इंग्लैंड टीम 2 मुकाबले में से 1 भी मुकाबला हारती है तो वह सेमीफाइनल के दौड़ से बाहर हो जाएगी और उनकी जगह पाकिस्तान की टीम शामिल हो जाएगी। वहीं पे आप सभी को बता दें कि पाकिस्तान के कुल 2 मुकाबले बचे हैं, जिसमें से वह 2 मुकाबले जीतने हैं और आप सभी को बता दें कि इंग्लैंड के भी 2 मुकाबले बाकी हैं और उन्हें 2 मुकाबले जीतने होंगे, तभी सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी से एक सवाल है कि वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में भारतीय टीम होगी या नहीं, इसका जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इंग्लैंड और पाकिस्तान में से कौन सी ऐसी टीम है जो ज़रूर सेमीफाइनल में पहुंचेगी, तो उसका जवाब भी ज़रूर दें। रन मशीन विराट कोहली ने रचा इतिहास, विश्व रिकॉर्ड तोड़, बन गए नंबर 1 के बल्लेबाज, कई दिग्गजों को पछाड़ा। दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली 1 से 1 बढ़कर रिकॉर्ड अपने नाम करते जा रहे हैं और इससे पता चलता है कि वह कितने कमाल के क्रिकेटर हैं। विश्व कप में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ मुकाबले में विराट कोहली ने एक और वर्ल्ड कप रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया है। विराट दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 20,000 रन बनाए हैं। भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच इस समय वर्ल्ड कप 2019 का 34वां मुकाबला मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और लोकेश राहुल ने पारी का आगाज किया, जहां रोहित शर्मा ने केवल 18 रन और लोकेश राहुल ने 48 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली ने कदम रखा। इस दौरान कोहली ने 37 रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास रच दिया। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 37 रनों की बेहतरीन पारी खेलते ही विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टेस्ट, वनडे, T20 में सबसे तेज 20,000 रन बनाने वाले, पूरे करने वाले दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, ब्रायन लारा जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए यह मुकाम 376 मैचों की केवल 417 पारियों में हासिल किया है। इसी के साथ विराट कोहली 20,000 रन अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाले दुनिया के 12वें बल्लेबाज बन गए हैं, जबकि ऐसा करने वाले भारत के 3रे बल्लेबाज बने।
विराट कोहली ने 376 मैचों में 317 पारियों के अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 20,000 रन पूरे कर चुके हैं, जहां उन्हें 66 शतक और 92 अर्धशतक जड़े हैं। इस दौरान कोहली ने 77 टेस्ट मैचों की 131 पारियों में 53 के औसत से 6,613 रन बनाए हैं, जबकि 232 वनडे मैचों में कोहली के बल्ले से 11,124 रन निकले हैं, जहां उन्होंने 41 शतक लगाए हैं और उनकी बल्लेबाजी औसत 59 का रहा है। वहीं 67 T20 मैचों में कोहली के नाम 2,263 रन दर्ज हैं।